अंगों में हो भरी उमंग, नयनों में मदिरा लास रंग, तरुण हृदय में प्रलय तरंग, रोम रोम से उन्मद गंध, छूटे टूटे जग के बंध, रहे न सुख दुख से संबंध। भारत के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ भारतीय संस्कृति के अनमोल धरोहर को संजोए भारतीय कला को प्रदर्शित करता प्रदेश उड़ीसा। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में अहम स्थान रखने वाला ओडिसी इसी देश की देन है। इस नृत्य की अलौकिक सुंदरता के साथ साथ इसका इतिहास भी उतना ही रोचक और गहरा है। इस कला के साथ जुड़ी कहानियां इसकी सुनहरी गाथा को बयां करती हैं। उड़ीसी के इतिहास को अगर हम लें तो सबसे पहले मैं जाना चाहूंगी हमारे चार वेदों पर, द बुक्स ऑफ विजडम दैट हैव कम डाउन टू अस एज अ ग्रेट वर्च्यू एंड एडवांटेज। इन चार वेदों का निचोड़ निकालकर 2000 साल पहले भरत मुनि ने एक और वेद लिखा जिसका नाम है नाट्य वेद। ओडिसी को सबसे पुराने जीवित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक माना जाता है। महारी के रूप से शुरू हुआ इस कला का सफर वक्त के साथ साथ कई बदलावों से होकर गुजरा है, लेकिन इस नृत्य ने अपने गौरव अपनी पहचान को कायम रखा और बदलते दौर के साथ इसकी शैली में भी कुछ परिवर्तन आए और आज का ओडिसी भक्ति कला संगीत साहित्य प्रेम और श्रृंगार का सुंदर मिश्रण है। उद्रमगधी वो समय रहा होगा, वो रीजन रहा होगा, वो क्षेत्र रहा होगा जिसे आज हम उड़ीसा कहते हैं। तो ये तो मानकर हम चल सकते हैं कि उड़ीसा में नृत्य की परंपरा 2000 साल पहले से चली आ रही है। प्राचीन समय से ही ये नृत्य देवताओं को प्रसन्न करने उनकी सेवा करने के लिए किया जाता था। पूजा अर्चना में इसका विशेष महत्व था। कुछ लोगों का मानना है कि भरतनाट्यम और ओडिसी में काफी समानताएं देखने को मिलती हैं। लेकिन इस कला का लालित्य गीत अभिनय इस नृत्य को भिन्न बना देता है। ब्रह्मेश्वर मंदिर और कोरलाख के सूर्य मंदिरों के शिलालेखों में भी इस कला को दर्शाया गया है। भगवान की आराधना और पूजा के लिए किया जाने वाला ये नृत्य जिसे महारी स्त्रियां करती थीं। महारी शब्द भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में महारी बना। इसको एक्चुअली महान नारी शब्द से डिस्टॉर्ट किया गया। महान नारी तो वो थी क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन समर्पण किया इष्ट देव की पूजा के लिए और अपने आप को मंदिर के रीति रिवाजों का एक हिस्सा बनाने में अपने आप को समर्पित किया। ओडिसी के अस्तित्व को बरकरार रखने में कई नृत्य गुरुओं ने अहम भूमिका निभाई है। ओडिसी में एक एक नृत्य मुद्रा मन के भावों को प्रदर्शित करती है। नृत्य और कला की एक ऐसी शैली जो संगीत के माध्यम से मंत्रमुग्ध कर देती है। भक्ति और श्रृंगार रस से सराबोर ये नृत्य मुद्राएं चारों ओर एक दिव्य आकर्षण पैदा कर देती हैं। संगीत की ताल के साथ नृत्य ऐसा लगता है मानो पूरा समा बंध गया हो। उड़ीसी के पुनर्जन्म में जिन लोगों ने योगदान दिया और जिनके माध्यम से उड़ीसी नृत्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान पाया भारत के शास्त्रीय नृत्यों में, उनमें गुरु पंकज चरण दास,
गुरु केलुचरण महापात्र, गुरु मायाधर रावत और गुरु देवा प्रसाद दास, इन्हें हम कह सकते हैं दे आर दी आर्किटेक्ट्स ऑफ द मॉडर्न ओडिसी डांस और द प्रेजेंट स्टाइल ऑफ ओडिसी डांस। इस नृत्य का एक मुख्य आकर्षण त्रिभंग है, यानी शरीर को तीन भागों में बांटना, सिर, शरीर और पैर। ये मुद्राएं और अभिव्यक्तियां इस नृत्य कला को अन्य कलाओं से अलग करती हैं। ये कोमल कवितामय शास्त्रीय नृत्य है जिसमें ओडिशा के परिवेश तथा इसके सर्वाधिक लोकप्रिय देवता भगवान जगन्नाथ की महिमा का गान किया जाता है। ये नृत्य भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित है और इसके छंद संस्कृति नाटक गीत गोविंदम से लिए गए हैं, जिन्हें प्रेम और भगवान के प्रति समर्पण को प्रदर्शित करने में उपयोग किया जाता है। कृष्ण कभी भी अपनी बांसुरी त्रिभंगी पोज में बजाते हैं, इसके बिना कभी उनको सीधा खड़े होकर आप नहीं देखेंगे त्रिभंगी के अलावा वो कभी बांसुरी बजाएं। तो त्रिभंगी जो है वो श्री कृष्ण से प्रभावित है। हजारों साल पुराने इतिहास को खुद में समाये ओडिसी नृत्य सारी दुनिया में अपनी पहचान को बरकरार रखे हुए है। आज के बदलते दौर में जरूरत है कि हम भी अपनी इस प्राचीन कला का सम्मान करें, जिससे इसका गौरव सदा बना रहे।